Hello students, my name is Atisha Chhajed. I am a lecturer of Government Polytechnic College Dungarpur. Aaj hum theory of machine ME204 ka unit number 6 balancing ka second part start kar rahe hain. Aaj hum topic cover karne wale hain wo hai balancing of single rotating mass by two masses rotating in different planes. कल जो हमने पढ़ा था वो था बैलेंसिंग ऑफ सिंगल रोटेटिंग मास बाय अ सिंगल मास रोटेटिंग इन द सेम प्लेन. वो आप मेरे लास्ट लेक्चर में जाकर देख सकते हैं. आज हम पढ़ रहे हैं एक घूमते हुए द्रव्यमान का संतुलन भिन्न तल में अन्य दो घूमते हुए द्रव्यमानों द्वारा कैसे किया जाता है. एक घूमते हुए द्रव्यमान पर असंतुलन में अपकेंद्रीय बल कार्यकारी होता है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. इसकी प्रवृत्ति होती है कि घूमते हुए द्रव्यमान पर घूर्णन अक्ष के पारित त्रिज्या दिशा में बाहर की ओर निकलता है. समान तल में एक अन्य घूमते हुए द्रव्यमान द्वारा इसके संतुलन की व्याख्या मैंने लास्ट लेक्चर में कर ली थी. इस अवस्था में क्या होता है, अपकेंद्रीय बल पूर्णतः संतुलित किए जाते हैं और ये अपकेंद्रीय बल बियरिंग के सापेक्ष बल युग्म आघूर्ण भी लगाते हैं जिनका संतुलन नहीं किया गया था लास्ट लेक्चर में. इसलिए पूर्णतः गतिज संतुलन के लिए बल आघूर्ण को भी संतुलित करना आवश्यक होता है. बल आघूर्ण संतुलन अन्य दो घूमते हुए द्रव्यमान द्वारा भिन्न तल में किया जा सकता है. इसके लिए इन तलों की स्थिति घूमते असंतुलित द्रव्यमान के तल के सापेक्ष निम्न प्रकार संभव हो सकती है, यानी कि इसकी दो स्थितियाँ हैं. या तो जो असंतुलित द्रव्यमान का जो घूर्णन तल है वो अन्य दो द्रव्यमानों के घूर्णन तलों के मध्य में हो, और सेकंड है असंतुलित द्रव्यमान का घूर्णन तल अन्य दो द्रव्यमान के घूर्णन तलों के दाई अथवा बाई ओर हो. आज हम इन दोनों ही स्थितियों की विस्तृत व्याख्या करेंगे. सबसे पहले है यदि असंतुलित द्रव्यमान का घूर्णन तल यदि असंतुलित द्रव्यमान का घूर्णन तल अन्य दो द्रव्यमानों के घूर्णन तलों के मध्य में हो, यह है असंतुलित द्रव्यमान. ठीक है, इसका घूर्णन तल क्या है, ए से ए डैश. असंतुलित द्रव्यमान जिसका मास है एम, इसका घूर्णन तल है ए ए डैश. ये अन्य दो द्रव्यमानों के घूर्णन तलों के मध्य में होना चाहिए. ठीक है, तो ये इन दोनों घूर्णन तलों के मध्य में है. ठीक है, यह है असंतुलित द्रव्यमान. इसको संतुलित करने के लिए डिफरेंट प्लेन में दो मासेस लगाए गए हैं, मास m1 एंड मास m2. मास m1 का जो घूर्णन तल है वो है bb डैश, मास m2 का जो घूर्णन तल है वो है c c डैश. ठीक है, तो हम इसको समझते हैं. ये द्रव्यमान m है, असंतुलित है. ठीक है, ये घूर्णन अक्ष से, ये जो है ये होता है घूर्णन अक्ष. ठीक है, इस घूर्णन अक्ष के सापेक्ष त्रिज्या r कितनी दूरी पर है, ये r दूरी पर है और ये कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है, ये रोटेट कर रहा है कोणीय वेग ओमेगा से. ठीक है, इसका घूर्णन तल मैंने आपको बता दिया ए ए डैश. ठीक है, और ये जो दो अन्य द्रव्यमान हैं, ये द्रव्यमान घूर्णन अक्ष से r1 त्रिज्या दूरी पर हैं और ये r2 त्रिज्या दूरी पर हैं, और ये दोनों भी समान कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहे हैं. ये भी ओमेगा वेग से घूम रहा है, ये भी ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है, और ये भी ओमेगा कोणीय वेग से ही घूम रहा है. अंतर बस ये है कि ये जो द्रव्यमान m1 है वो घूर्णन तल bb डैश पर है और ये द्रव्यमान m2 घूर्णन तल cc डैश पर है. ठीक है, तो क्या हुआ, घूर्णन तल जो a डैश है वो इसके बीच में और एकदम समानांतर दूरी पर है. ठीक है, फिर देखते हैं असंतुलित द्रव्यमान m से m1 की दूरी है x1. ठीक है, और m2 से असंतुलित द्रव्यमान m की दूरी है x2. ठीक है, ये दूरी है x1, ये दूरी है x2.
तो तल ए डैश तथा बी बी डैश तथा तल सी सी डैश क्रमशः एक्स वन एक्स टू दूरी पर है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, हम जानते हैं अपकेंद्रीय बल का फॉर्मूला होता है एफ इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, तो यहाँ पे तल ए ए डैश के अलोंग अगर हम देखते हैं ये द्रव्यमान m, ठीक है, यहाँ से जो बल लगेगा वो त्रिज्या दिशा में बाहर की ओर लगेगा। ठीक है, ये फोर्स लग रहा है यहाँ से बाहर की तरफ, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ उसे हमने नाम दिया है कैपिटल F। ठीक है, इसे नाम दिया गया है कैपिटल F। ठीक है, तो ये बाहर की तरफ काम कर रहा है, ये है m ओमेगा स्क्वायर और ये घूर्णन अक्ष से दूरी है r। तो यहाँ पे जो अपकेंद्रीय बल आ गया वो गया F इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r। उसी तरह द्रव्यमान m1 पर यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक है, इस फोर्स को हमने नाम दिया F1। ठीक है, ये अपकेंद्रीय बल है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, तो F1 इक्वल्स टू हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर फॉर्मूला होता है, एम की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा एम वन ओमेगा स्क्वायर और त्रिज्या कितनी है यहाँ पे आर वन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, ये फोर्स हो जाएगा एफ वन इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर एम वन ओमेगा स्क्वायर आर वन। उसी तरह द्रव्यमान एम टू लेंगे, ठीक है, ये है आर टू दूरी पर, इसमें जो अपकेंद्रीय बल लगेगा वो यहाँ से सेंटर से इधर नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस अपकेंद्रीय बल को लिया है एफ टू, तो एफ टू इक्वल्स टू हो जाएगा एम टू ओमेगा स्क्वायर आर टू। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है एफ एम ओमेगा स्क्वायर आर, यहाँ पे अपकेंद्रीय बल लग रहा है एफ वन एम वन ओमेगा स्क्वायर आर वन, यहाँ पर लग रहा है एफ टू इक्वल्स टू एम टू ओमेगा स्क्वायर आर टू। ठीक है, तो क्लियर हो गया, ए डैश में द्रव्यमान एम पर लगने वाला अपकेंद्रीय बल एफ इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, तल बी बी डैश में द्रव्यमान एम वन पर लगने वाला अपकेंद्रीय बल एफ वन इक्वल्स टू एम वन ओमेगा स्क्वायर आर वन, तल सी सी डैश में द्रव्यमान एम टू पर लगने वाला अपकेंद्रीय बल एफ टू इज इक्वल्स टू एम टू ओमेगा स्क्वायर आर टू। ठीक है, अब हम इसका संतुलन करेंगे। संतुलन के लिए क्या आवश्यक है, ये जो फोर्स एफ लग रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, वो बराबर होना चाहिए नीचे की तरफ, ये जो एफ वन और एफ टू जो फोर्स लग रहा है उन दोनों के बराबर होना चाहिए, यानी कि फोर्स एफ शुड बी इक्वल्स टू एफ वन प्लस एफ टू। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ले लिया एफ शुड बी इक्वल्स टू एफ वन प्लस एफ टू। ठीक है, यहाँ पे हमने अपकेंद्रीय बल को संतुलित कर दिया। अब यहाँ पे हम इनका मान रखेंगे, एफ इक्वल्स टू क्या है एम ओमेगा स्क्वायर, इसको यहाँ पे पुट कर दिया, एफ वन इक्वल्स टू एम वन ओमेगा स्क्वायर आर वन यहाँ से पुट कर दिया, और एफ टू इक्वल्स टू एम टू ओमेगा स्क्वायर आर टू इसको यहाँ पर लिख दिया। इन तीनों में ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या एम आर इज इक्वल्स टू एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये एक इक्वेशन मिल गई। अब हम लेंगे परिणामी बल युग्म आघूर्ण शून्य लेने की स्थिति में। ठीक है, यानी कि हम मोमेंट लेंगे, सबसे पहले जो मोमेंट लिया है वो तल सी सी डैश के सापेक्ष लिया है। ठीक है, मोमेंट कैसे लेते हैं ये बहुत ज़रूरी है, आप इसको बहुत ध्यान से समझिए, ये आपने सॉम में भी पढ़ा होगा। ठीक है, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे भी हम इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले इन्होंने लिया है तल सी सी डैश के अलोंग आघूर्ण लिया है। ठीक है, तल सी सी डैश के अलोंग मोमेंट लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये सी सी डैश के अलोंग हम यहाँ पे इसको इक्वल्स टू शून्य के बराबर मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक फोर्स क्या लग रहा है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है एफ और यहाँ पे फोर्स लग रहा है एफ वन। ठीक है,
ये जो फोर्स एफ है ये ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जो फोर्स है ये ऊपर की तरफ लग रहा है और इस इधर से जाएंगे हम इस तल की तरफ, ठीक है, इस तल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये रोटेट कैसे कर रहा है, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज जो रोटेशन होता है वो लिया जाता है पॉजिटिव, ठीक है। तो ये कितना हो गया F इंटू, दूरी कितनी है इन दोनों के बीच में, x2, तो ये कितना हो गया F इंटू x2, और ये क्लॉकवाइज है तो प्लस F इंटू x2, ठीक है। फिर देखेंगे ये वाला बल, ये बल लग रहा है F1 नीचे की तरफ, हमेशा बाहर की तरफ फोर्स लगता है, ठीक है, तो ये लग रहा है F1 नीचे की तरफ, तो ये फोर्स F1 गया इस अक्ष की तरफ, ठीक है, इस अक्ष की तरफ गया ये, तो ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो ये रोटेशन कैसे हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज को क्या लिया जाता है, नेगेटिव, ठीक है। फोर्स कितना है ये F1, और इस अक्ष से इस अक्ष के बीच की दूरी कितनी है, x1 प्लस x2, तो ये क्या हो जाएगा F1 इंटू x1 प्लस x2, और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस F इंटू x1 प्लस x2, तो यहाँ से आया F इंटू x2 माइनस F1 इंटू x1 प्लस x2, ठीक है। तो जो माइनस वाला साइन है उससे हमने लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, एफ एक्स टू इज इक्वल्स टू एफ वन एक्स वन प्लस एक्स टू। अब यहाँ पे एफ वन और एफ का मान रख लेंगे, ठीक है। एफ वन का मान है एम वन ओमेगा स्क्वायर आर वन, और एफ का मान है एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। तो इन मानों को यहाँ पे रख दिया, एफ वन को लिख दिया यहाँ पे एम वन ओमेगा स्क्वायर आर वन, और F को लिख दिया m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। दोनों तरफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन है तो कैंसिल हो गया, बचा क्या m1 r1 into x1 plus x2 is equals to mx2 into r। तो यहाँ पे भी हमें एक इक्वेशन मिल गई, ठीक है। तो जैसे हमने तल CC डैश के सापेक्ष बलाघूर्ण लिया, उसी तरह अब हम तल BB डैश के सापेक्ष बलाघूर्ण लेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तल BB डैश के अलोंग हम इसे ज़ीरो मान लेंगे, यानी इसको ज़ीरो मान लेंगे। बचे फोर्स कौन से, फोर्स एक फोर्स बचा ये अपवर्ड F, और ये फोर्स बचा F2, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला फोर्स लेंगे F, ये है ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ फोर्स जा रहा है, और हमें बल आघूर्ण लेना है BB डैश के सापेक्ष, यानी कि इधर की तरफ, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, ये यहाँ से कैसे रोटेट कर रहा है, ये अब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि नेगेटिव, ठीक है। और इस तल से इस तल तक दूरी कितनी है, x1, और फोर्स कौन सा लग रहा है, F, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बलाघूर्ण, F इंटू x1, और एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एफ इंटू एक्स वन, ठीक है। फिर लेंगे ये वाला फोर्स, ये फोर्स कितना है एफ टू, जो कि नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, ठीक है। तो ये फोर्स है एफ टू, और इस तल के सापेक्ष लेना है हमें, ठीक है। तो ये कैसे रोटेट कर रहा है, अब क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, इस तल से इस तल के बीच की दूरी कितनी है, एक्स वन प्लस एक्स टू, और फोर्स कौन सा है ये एफ टू, तो ये क्या हो जाएगा F2 इंटू एक्स वन प्लस एक्स टू, ठीक है। और ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव में, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, माइनस F x1 प्लस F2 इंटू एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो जो माइनस वाला जो है माइनस F x1, उसको हम इक्वल के राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन एफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ टू इंटू एक्स वन प्लस एक्स टू। अब यहाँ पे एफ टू और एफ का मान यहाँ से लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे इनका मान रख लिया, ओमेगा स्क्वायर कॉमन है कैंसिल हो गया, बचा क्या एम टू आर टू इंटू एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल्स टू एम एक्स आर वन,
यहाँ से हमें एक की तीसरी इक्वेशन मिल गई, तो हमें यहाँ पे तीन इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन टू, इक्वेशन थ्री और इक्वेशन फोर। ठीक है, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें द्रव्यमान m2, m1 की n के सापेक्ष स्थिति हम ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि जो x1 और x2 की वैल्यू है वो हम x, x1 और x2 की जो पोजीशन है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई स्थिति वन, यदि असंतुलित द्रव्यमान का घूर्णन तल अन्य दो द्रव्यमान के घूर्णन तलों के मध्य में हो। अब हम स्थिति दो पढ़ेंगे। स्थिति दो क्या है? स्थिति दो है, यदि असंतुलित द्रव्यमान का घूर्णन तल अन्य दो द्रव्यमानों के घूर्णन तल के समानांतर दाईं या बाईं ओर हो। इसे आप इस डायग्राम से समझिए, दिख रहा है ये डायग्राम? ठीक है, ये डायग्राम क्या दिखा रहा है? संतुलित द्रव्यमान m का संतुलन। ठीक है, ये है असंतुलित द्रव्यमान। ठीक है, ये है असंतुलित द्रव्यमान, इसको संतुलित करने के लिए दो द्रव्यमान लगाए गए m1 और m2, जो कि किसी अन्य तल पर है और या तो इसके ये दाईं ओर होंगे या फिर इसकी बाईं ओर होंगे। ठीक है, ये इसके किधर है? लेफ्ट की तरफ है, यानी कि बाईं ओर दिखा रखे। ठीक है, तो या तो ये दोनों इधर होंगे या फिर ये दोनों इधर की तरफ होंगे। फर्स्ट केस में क्या था? ये बिल्कुल इन दोनों द्रव्यमानों के बीच में था असंतुलित बल। अब या तो असंतुलित द्रव्यमान को संतुलित करने के लिए जो द्रव्यमान लगाए गए हैं वो या तो दोनों बाईं ओर होंगे या फिर दोनों दाईं ओर होंगे। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं, इसमें एक द्रव्यमान है जिसका मान m है, ये असंतुलित है। ठीक है, जो किसी घूर्णन अक्ष, ये घूर्णन अक्ष लिया है हमने। ठीक है, इसकी पारित त्रिज्या कितनी है? r दूरी पर है। ठीक है, और कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है। ठीक है, इसका जो घूर्णन तल है वो है a, a डैश। ठीक है, दो अन्य द्रव्यमान लगाए गए हैं m1 और m2। ठीक है, ये भी उसी समान घूर्णन अक्ष के सापेक्ष में है और ये त्रिज्या m1 जो है वो त्रिज्या r1 दूरी पर है और m2 त्रिज्या r2 दूरी पर है। ठीक है, और दोनों समान कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहे हैं। द्रव्यमान m1 का घूर्णन तल है b, b डैश और द्रव्यमान m2 का घूर्णन तल है C, C डैश। ठीक है, तो इस प्रकार से हम घूर्णन तल लेते हैं कि A, A डैश जो है वो या तो इनके दाईं ओर हो या फिर बाईं ओर होना चाहिए और समानांतर रहना चाहिए। ठीक है, फिर इस घूर्णन तल A, A डैश से द्रव्यमान M2 की दूरी है x2। ठीक है, और घूर्णन तल A, A डैश से द्रव्यमान M1 की दूरी है x1। यहाँ से यहाँ तक दूरी है x1 और इस द्रव्यमान से यहाँ तक दूरी है x2। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है फोर्स F बाहर की तरफ, यहाँ पे लग रहा है फोर्स F1 नीचे, यहाँ पे फोर्स लग रहा है फोर्स F2 नीचे। ठीक है, ये जो फोर्स F लग रहा है अब केंद्रीय बल वो कितना हो जाएगा? m ओमेगा स्क्वायर r। ये जो फोर्स F1 लग रहा है नीचे वो हो जाएगा M1 ओमेगा स्क्वायर R1। ये फोर्स नीचे लग रहा है F2 जो हो जाएगा M2 ओमेगा स्क्वायर R2। ठीक है, तो यहाँ से हमें अलग अलग फोर्स की वैल्यूज आ गई है। तल A डैश में द्रव्यमान M पर लगने वाला अब केंद्रीय बल F इक्वल्स टू M ओमेगा स्क्वायर R। तल BB डैश में द्रव्यमान M1 पर लगने वाला अपकेंद्रीय बल F1 इज इक्वल्स टू M1 ओमेगा स्क्वायर R1। तल CC डैश में द्रव्यमान M2 पर लगने वाला अपकेंद्रीय बल F2 इज इक्वल्स टू M2 ओमेगा स्क्वायर R2। ठीक है, अब गतिज संतुलन के लिए क्या आवश्यक है? ये अपकेंद्रीय बल बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो जो ये फोर्स F है ये F should be equals to F1 plus F2,
ठीक है, ये दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने ले लिया अब केंद्रीय बल संतुलित करने पर F इज इक्वल्स टू एफ वन प्लस एफ टू। इसका मान रखेंगे, F का मान m ओमेगा स्क्वायर r, एफ वन का मान है m वन ओमेगा स्क्वायर r वन, एफ टू का मान है m टू ओमेगा स्क्वायर r टू। इन सब का मान रखा, ओमेगा 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 इसमें कॉमन है तो कैंसिल हो गया, बचा क्या एम आर इक्वल्स टू एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू। तो ये हमारे पास इक्वेशन 5 आ गई। अब हम फिर से परिणामी बल आघूर्ण शून्य लेंगे, जैसे कि हमने लास्ट स्थिति में किया था। अभी इसमें सबसे पहले हम तल सी सी डैश के सापेक्ष एम तथा एम वन का बल आघूर्ण ले रहे हैं। ठीक है, तल सी सी डैश के सापेक्ष ले रहे हैं पहले, यानी कि इस तल की सी सी, ये है तल सी सी डैश, ठीक है, इसके सापेक्ष बल आघूर्ण ले रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे इस मास एम का आघूर्ण लेंगे। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो इस तरह से बाहर की तरफ लग रहा है, तो ये फोर्स लग रहा है एफ। ठीक है, सी सी डैश के अलोंग लेना है तो हम इधर की तरफ आ गए। ठीक है, तो ये कैसे रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि माइनस, और इस तल से इस तल की दूरी कितनी है एक्स टू, तो ये कितना हो जाएगा, फोर्स लग रहा है यहाँ पे एफ, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एफ इंटू एक्स टू। ठीक है, यहाँ आ गया माइनस एफ इंटू एक्स टू। अब लेंगे हम ये मास एम वन, ठीक है, सी सी डैश के अलोंग लेना है आघूर्ण, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो है एफ वन नीचे की तरफ, तो ये जो फोर्स एफ वन लग रहा है नीचे की तरफ, यहाँ से हम गए इस अक्ष के अलोंग। ठीक है, ये कैसे रोटेट कर रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, यानी कि ये भी क्या हो गया माइनस, फोर्स क्या है यहाँ पे एफ वन। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है एक्स वन माइनस एक्स टू, इस पूरी दूरी में से अगर आप x2 दूरी हटा देंगे तो यहाँ से बची हुई ये दूरी आ जाएगी, तो ये दूरी कितनी है x1 माइनस x2, तो ये क्या हो गया माइनस f1 इंटू x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इक्वेशन क्या आ गई, माइनस एफ एक्स टू माइनस f1 x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो क्या हो गया f इक्वल्स टू एफ वन एफ एक्स टू इज इक्वल्स टू, दोनों माइनस माइनस साइन थे तो वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, बचा क्या एफ एक्स टू इज इक्वल्स टू एम वन एफ एक्स टू इज इक्वल्स टू एफ वन एफ एक्स टू इज इक्वल्स टू एफ वन एक्स वन सॉरी यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे बी बी डैश की जगह यहाँ पे आएगा सी सी डैश। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो है ये है सी सी डैश। तो तल सी सी डैश के सापेक्ष एम तथा एम टू के बल आघूर्ण लेने पर क्या आ जाएगा, एफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ टू एक्स वन माइनस एक्स टू। ठीक है, सी सी डैश के सापेक्ष लिया m और m1 का आघूर्ण लिया, तो एफ एक्स टू इक्वल्स टू आ गया f1 वन इंटू एक्स वन प्लस एक्स टू। ठीक है, दोनों नेगेटिव थे तो दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, और ये इक्वल होते हैं तो f की जगह लिख दिया m ओमेगा स्क्वायर r, और f1 की जगह लिख दिया m1 ओमेगा स्क्वायर r1। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर दोनों में कॉमन है, कैंसिल हो गया, बचा क्या एम आर एक्स टू इज इक्वल्स टू एम वन आर वन इंटू एक्स वन माइनस एक्स टू, ये है इक्वेशन 6। उसी तरह अब हम तल बी बी डैश के सापेक्ष m तथा m2 के बल आघूर्ण लेंगे। अब ये हमने तल लिया बी बी डैश, ठीक है, बी बी डैश के अलोंग लेंगे, ये जो फोर्स है ये है एफ। ठीक है,
और ये बीबी डैश के अलोंग ले रहे हैं तो ये एफ इंटू एक्स वन, और ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा माइनस एफ इंटू एक्स वन। ठीक है, फिर ये वाला जो है, ये वाला फोर्स लेंगे, ये है डाउनवर्ड एफ टू। ठीक है, इसके बीबी डैश के सापेक्ष लेना है। ठीक है, तो एफ टू इंटू एक्स वन माइनस एक्स टू। ठीक है, और ये कौन सा है, क्लॉकवाइज रोटेशन है, ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये है माइनस एफ इंटू एक्स वन प्लस एफ टू इंटू एक्स वन माइनस एक्स टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो माइनस एफ एक्स वन को हम लेफ्ट हैंड साइड में रहने देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ टू एक्स वन माइनस एक्स टू। ठीक है, एफ की वैल्यू यहाँ पुट कर दी एम ओमेगा स्क्वायर आर, और एफ टू की वैल्यू पुट कर दी एम टू ओमेगा स्क्वायर आर टू। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या, एम आर एक्स वन इज इक्वल्स टू एम टू आर टू इंटू एक्स वन माइनस एक्स टू। इन तीनों समीकरण 5, 6 और 7 को हल करने के बाद एम टू एम वन और एम द्रव्यमान के सापेक्ष की स्थिति याद की जा सकती, यानी एक्स एक्स वन और एक्स टू की दूरी इन तीनों समीकरणों को हल करने के बाद आपको मिल जाएगी। तो ये था घूमते हुए द्रव्यमान का संतुलन भिन्न तल में अन्य दो घूमते हुए द्रव्यमानों द्वारा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।